हेलो, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून शोभना मैम एंड माय एचओडी डीन एंड माय ऑल फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एसएचएस. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोसेंसर्स ऑफ मॉडर्न एरा एंड योर एप्लीकेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड व्हाट द बेसिक पॉइंट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोसेंसर्स. बायोसेंसर्स हमारे क्या होंगे. बायोसेंसर इज डिफाइंड एज एन एनालिटिकल डिवाइस विच इज यूज्ड for the detection of an analyte that combines with a biological component with a physicochemical detector. Means कि biosensor हमारा एक analytical device होगा जिसमें कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास analyte होगा, उसको हम detect करने के लिए यहाँ पर combine कर रहे हैं किसको, biological component को physicochemical detector की मदद से. अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंसर्स. कि हमारे पास जो बायोसेंसर्स है इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर. सेंसर, सेंसर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो हम चेंज करेंगे उसको हम नाम देंगे सेंसर. बट ट्रांसड्यूसर क्या होगा. ट्रांसड्यूसर से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है जिसको कि हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, उसको डिटेक्ट करने का काम कर रही है. वो होगी स्पीड, प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर. नंबर टू, ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर हमारा क्या होगा. ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी इंटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करी. इसके अंडर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होंगे. सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारे पास जिसमें कि हम यहाँ पे अपनी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारा क्या बनेगा. वो हमारा बन सकता है मे बी प्रेशर ट्रांसड्यूसर, मे बी टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर के अंडर हमारे पास होगा थर्मामीटर, प्रेशर सेंसर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन. ये हमारी क्या हो सकती है, दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसड्यूसर. नाउ अब हमारा अगला पॉइंट आता है यहाँ पर कि हम यहाँ पे अपने बायोसेंसर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होना चाहिए. सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल होगा हमारे इसका बायोसेंसर का वो ये होगा कि ये बेसिकली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल ट्रांजक्शन. सिग्नल ट्रांजक्शन का क्या मतलब है. सिग्नल ट्रांजक्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स आ रहे हैं और उनको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट, जो स्पेसिफिकली यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगा और वो हमारे बायोलॉजिकल मटेरियल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा. नंबर टू, ट्रांसड्यूसर्स. ट्रांसड्यूसर्स क्या करेंगे, यहाँ पर वो उस सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे हमारे पास जो बायोलॉजिकल सिग्नल हमें ऑप्टेन हुआ है उसको अब ये इजीली कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. नंबर टू पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज आफ्टर एम्प्लीफिकेशन. जब हमने इसका एम्प्लीफिकेशन कर लिया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपने बायोलॉजिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ऑलरेडी आपका जो सिग्नल है वो आ चुका है और उसके अब एम्प्लीफिकेशन भी आपने कर ली और उसके बाद उसको अब आप डिटेक्टर की मदद से उसको प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद उसको हम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर मॉनिटर पर डिस्प्ले करने का काम कर रहे हैं. दीज आर द बेसिक वर्किंग ऑफ बायोसेंसर्स, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होगा बायो एलिमेंट्स, नंबर टू ट्रांसड्यूसर, नंबर थ्री एम्पलीफायर, नंबर फोर प्रोसेसर एंड नंबर फाइव डिस्प्ले. फर्स्ट इज बायो एलिमेंट. बायो एलिमेंट मीन्स बायो एलिमेंट हमारा पर्टिकुलरली यहाँ पर डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स है वो यहाँ पर हमें कंसिडर की. नंबर टू पॉइंट ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर बेसिकली कन्वर्टेड आवर फिजिकल क्वांटिटी इंटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड आफ्टर दिस वी हैव टू एम्प्लीफाई एंड आफ्टर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग आफ्टर डिस्प्ले द पर्टिकुलर डायग्रामेटिकली ऑफ बायोसेंसर. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द आइडियल बायोसेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट मस्ट बी रेलेवेंट टू द मेजरमेंट एनवायरमेंट. नंबर टू, फंक्शनल सर्फेस मस्ट बी कंपैटिबल with a transducer. Number three,
हाईली स्पेसिफिसिटी एंड हाईली सिलेक्टिविटी, नंबर फोर्थ हाई रेजोल्यूशन, हाई एक्यूरेसी, हाई रिपीटेबिलिटी एंड गुड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स एंड सफिशियंट डायनेमिक रेंज एंड इनसेंसिटिव फॉर द एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस, environmental interference, environmental interference. But these are the ideal characteristics for a biosensor. But we have to understand what are the basic characteristics for a biosensor. One is linear, number two sensitive, number three flexibility, and number four they have a good response time for a particular ideal sensors. Now we have to come what are the different type of biosensors. There are so many different type of biosensors, like first one based on transducers, number two based on bioreceptors. But we have to classify another type of biosensors. For example, first one is piezoelectric biosensors, colorimetric biosensors, potentiometric biosensors, optical biosensors, electrochemical biosensors, nano-based biosensors. First of all, colorimetric biosensors. Colorimetric biosensor means in this biosensors we have to change in temperature of solution. We have to particularly change the temperature of solution. जो हमारा solution है उसका जो temperature है उसके under हम उसको change करेंगे और उसके बाद वहाँ पर उसकी जो concentration होगी उसको अब हम वहाँ पर find out करने का काम करेंगे. Number two, potentiometric biosensors. Potentiometric biosensors हमारे वो biosensors होंगे जिनके under हमारे पास particularly क्या होगा, biocatalytic membranes होंगी, साथ के साथ हमारे पास आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी होंगी और साथ के साथ हमारे पास हाइड्रोजन आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स भी होंगी जो कि पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स में काम करेंगी. बट हियर वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आल्सो, लाइक पीएच इलेक्ट्रोड एंड अंदर वन इज अमोनिया सिलेक्टिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड. एंड आफ्टर दिस वी हैव टू टेक द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोड्स. पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोड्स के बीच हमने ले लिया हमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड आफ्टर दिस वी हैव टू टेक कंसर्न रेफरेंस इलेक्ट्रोड. एंड आफ्टर द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड एंड विच इज पर्टिकुलरली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स, बट अ गुड एग्जाम्पल फॉर पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर इज द मॉनिटरिंग द इंट्रामायोकार्डियल पीएच ड्यूरिंग अ ओपन हार्ट सर्जरी. नंबर टू पॉइंट पीजोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स. इन पीजोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स वी हैव टू से वी हैव टू अंडरस्टूड व्हेन अ मैकेनिकल फोर्स, जब हमने इसके ऊपर इस सेंसर के ऊपर जब हम मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, पर्टिकुलरली वहां पर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उस पर्टिकुलर सिग्नल को जनरेट करेगा. लेकिन यहाँ पर आपके पास जो मैकेनिकल फोर्स है जो अप्लाई कर रहे हो किसके ऊपर कर रहे हो, पर्टिकुलरली वहाँ पर आपके पास इसके बेसिक प्रिंसिपल में आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप की जो ऑसिलेशंस हैं, डिफरेंट टाइप की ऑसिलेशंस हैं वो यहाँ पे क्या होंगी, डेवलप होना स्टार्ट होंगी और आपको बताएंगी कि हम कैसे कैसे वहाँ पर उसके लिए काम कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे आपके क्रिस्टल होगा वो आपके पास टर्मलिन क्रिस्टल भी हो सकता है और क्वार्ट्स क्रिस्टल भी हम रेफर कर सकते हैं. हम इनमें से कोई भी क्रिस्टल है उसको रेफर करेंगे और वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करेगा, उस चीज को वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करके हमारी पर्टिकुलरली जो रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी है उसके लिए हमारे बेटर करैक्टरिस्टिक्स पर काम करेगा. इस पीजोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर के अंदर हमारे पास जो ऑसिलेशंस हैं उनका प्रिंसिपल उन पर वर्क करेगा और उसकी वजह से वहाँ पर आपके पास क्या होगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसका जो सरफेस है उसको बाउंड करके वहाँ पर वो पर्टिकुलरली वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑसिलेशंस हैं उन पर काम करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिकल बायोसेंसर्स. ऑप्टिकल बायोसेंसर्स हमारे पर्टिकुलरली वो बायोसेंसर्स होंगे जो कि यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके किस प्रिंसिपल पर काम करेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास मीडियम होगा, मान लीजिए
कोर मीडियम है या फिर आपके पास क्लैडिंग मीडियम है। आपके पास जो भी मीडियम होगा उस पर्टिकुलर मीडियम के अकॉर्डिंग वो वहां पर क्या करेगा, अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा और हमें बताएगा कि यहाँ पर हमारा जो लाइट है वो किस वे में फॉलो कर रही है, ज़िगज़ैग मैनर में फॉलो कर रही है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप की चिप्स भी होंगी और वो जो चिप्स होंगी हमारी लाइट के साथ इंटर रिफ्लेक्ट कर क्या करेंगी, काम करना स्टार्ट करेंगी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के साथ और वो भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। जब उन्होंने उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिफ्लेक्ट करा है तो उसको हमने नाम दिया है ब्रैग्स ग्रेटिंग, जो कि पर्टिकुलरली आपकी एक वेवलेंथ को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी जितनी भी वेवलेंथ हैं उनको अभी वो इफेक्ट नहीं करेगा। एट ए टाइम एक वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में वो क्या करना शुरू करेगा, अपना काम करना शुरू करेगा। नेक्स्ट इज डीएनए बायोसेंसर्स। डीएनए बायोसेंसर्स के अंदर क्या होता है, डीएनए बायोसेंसर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे इंटरेक्शन होगी किस चीज की, आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन की जो है इंटरेक्शन होगी और वो आपके टारगेट और जो बायोरिसेप्टर्स हैं उनके इंटरेक्शन के बीच में आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन पर काम करेगा और वो वहाँ पर आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या क्या पोटेंशियल में चेंज हो रहा है उसके बारे में हमें बताएगा। बट इन डीएनए बायोसेंसर्स सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टूड डीएनए एक्सट्रैक्शन। हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे कन्वेंशनल मेथड्स के द्वारा, उसके बाद उसको हम एम्पलीफाई करेंगे डीएनए एम्पलीफिकेशन के द्वारा और लास्ट में हम उसको डीएनए को डिटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे डीएनए सेंसर्स के द्वारा, जहाँ पर कि हमारे पास उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगी। लेकिन जब हमें डीएनए को रिकॉग्नाइज करवाना है तो सबसे पहले हमें वहाँ पर डीएनए की रिकॉग्नाइज लेयर बनाएंगे, उसके बाद एक्चुअल आपका हाइब्रिडाइजेशन इवेंट होगा और अब उस इवेंट की मदद से अब आप उस इवेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको नीचे नंबर 2 फिगर में शो किया गया है कि डीएनए बायोसेंसर्स को हम कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं और उसके सीक्वेंस में हम क्या क्या काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स हमारे कौन से होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स के अंदर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होंगे और उनको अब हम यहाँ पर कोट करेंगे किसके ऊपर, प्रोबिक सरफेस, जो प्रोब का सरफेस है उसके ऊपर, और वहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, सेंसिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। और अब आपके पास जो सेंसिंग मॉलिक्यूल्स होंगे अब वो आपके कंपाउंड, जो आपके बायोसेंसर्स इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर है उसके अंदर हम जो कंपाउंड्स को रेफर कर रहे हैं उन कंपाउंड्स को इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करके अब उनको वहाँ पर वो डिटेक्ट करने का काम करेगा। ये पॉइंट हमारा बनेगा सबसे पहले इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स के अंदर। फिर हमारा एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर्स। एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर हमारे क्या होंगे, एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर्स हमारे वो सेंसर्स होंगे जिनके अंदर हमें यहाँ पे करंट चाहिए और इन करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन होगी। जो हमारे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे पर्टिकुलरली पोटेंशियल एट अप्लाइड कॉन्स्टेंट पोटेंशियल अप्लाइड, कि यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है उसको वो पर्टिकुलरली अप्लाइड पोटेंशियल को कॉन्स्टेंट मानेगा और उसके थ्रू उसके पास अब जो करंट आएगा उसको मेजर करेगा पर्टिकुलरली एनालाइट की कंसंट्रेशन की मदद से। वो चीज आपकी बनेगी एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर्स के अंडर। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज बायोसेंसर्स। ग्लूकोज बायोसेंसर्स के अंडर क्या है, ग्लूकोज बायोसेंसर्स के अंडर हमें ये पता है कि यहाँ पर आपके पास जो ग्लूकोज है वो अब यहाँ पर पर्टिकुलरली रिएक्ट कर रहा है ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ, वो पर्टिकुलरली बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड बनाने के बाद वी हैव टू अंडरस्टूड टू प्रोटॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। नाउ ग्लूकोज मेडिएटर्स अब आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड और ग्लूकोज ऑक्सीडेज को बनाना शुरू कर देंगे। अब आपका ग्लूकोज ऑक्सीडेज और भी ज्यादा ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा, जितनी ज्यादा कंटेंट होगा हमारा ग्लूकोज की मोर इज द ऑक्सीजन कंजप्शन एंड विच कैन बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोड्स, और उनको हम इलेक्ट्रोड्स के द्वारा क्या करेंगे यहाँ पर पर्टिकुलरली डिटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिलिका क्वार्ट्स या क्रिस्टल ग्लास बायोसेंसर्स। ये हमारे वो बायोसेंसर्स होंगे जिनके अंडर हमारे पास
पोरस सिलिकॉन सैंड, और वो उनको पर्टिकुलरली ऑफर करेगा, उनकी पोटेंशियल रेफर करेगा हाई पोटेंशियल किस चीज के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर बायो सेंसिंग के लिए। और अब इसके पास इसकी जो पोरोसिटी होगी वो काफी ज्यादा हाई होगी, और वो लगभग वेरी करेगी 15-90% के इन बिटवीन, एंड विच गिव्स हाई स्पेसिफिक सरफेस एंड पोर साइज मस्ट बी हाई विच इन रेंजेस ऑफ नैनो पोर्स। नेक्स्ट वन इज सरफेस वेव बायोसेंसर्स। सरफेस वेव बायोसेंसर्स क्या होंगे? सरफेस वेव बायोसेंसर्स हमारे वो बायोसेंसर्स हैं जिनके अंडर आपके पास आपकी जो लाइट है वो अब यहाँ पे कपल होगी किस चीज के थ्रू, थ्रू अ प्रिज्म, जैसे कि हम इस पर्टिकुलर प्रिज्म के थ्रू यहाँ पर अपनी कॉन्फिगरेशन करेंगे, और उसके अंडर हमारे पास सरफेस वेव बायोसेंसर्स के अंडर हमें उसके कपलिंग कंडीशंस मिलेंगी, और वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट होगा किस चीज पर, आपकी सरफेस लेयर की कॉन्फिगरेशन के ऊपर। और यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पास इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफी ज्यादा हाई होगा, और उसकी वजह से हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंजेस होंगे वो उनको पर्टिकुलरली इंड्यूस करेगा, और उसकी टारगेट मॉलिक्यूल्स पर उसकी प्रेजेंस होगी, और वो हमारी कपलिंग एंगल को डाइजेस्ट करने का काम कर लेगा। बट यहाँ पे हमारे पास सरफेस वेव बायोसेंसर्स का ये वर्ड बनेगा। नेक्स्ट वन इज नैनो मटीरियल बेस्ड बायोसेंसर्स, जिनको हम कभी कभी सम टाइम ऑल्सो नोन एज नैनो बेस्ड बायोसेंसर्स। नैनो बेस्ड बायोसेंसर्स हमारे वो सेंसर्स हैं जिनका जो साइज है इन सेंसर्स का लगभग अराउंड 10-100 नैनोमीटर इन साइज। 10-100 नैनोमीटर की इन बिटवीन हमारा वो साइज होगा, विच इज पर्टिकुलरली इन नैनो टर्म्स, मीन्स नैनो की टर्म्स में। बट इन नैनो बेस्ड बायोसेंसर्स वी हैव टू डिटेक्ट बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक न्यूक्लिक एसिड्स, एंटीबॉडीज, pathogens and metabolites, which we cover in a nanomaterial based biosensors. Next one is people. People means P stands for prop, E stands for encapsulated, and B stands for people hai, not people, people. B stands for biologically localized embedding. In this, they are nanoscale scale sensing devices. They are particularly nanoscale sensing devices which encapsulates analyte specific dye and a reference dye inside a biologically inert matrix. Means in inert matrix we have to consider analyte dye, and this analyte dye and reference dye encapsulate and gives a pebble which is nanoscale scaling devices. There are some direct methods for the measurement of pebble. For example, sense the ions and small molecules. Number two, it is also used for sensing the hydrogen ion, calcium ion, magnesium ion, zinc ion, and glucose. And sometimes analyte lack highly selective fluorescent indicators. These are the basic pebble. Pebbles also protect the cell from particularly dye. सेंसर साइज वेरी स्मॉल, डिजीज को डायग्नोज करेगा एंड स्टडी करेगा इसकी अर्ली इम्यून डेवलपमेंट के बारे में, एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द मेजरिंग ऑफ जिंक प्रोडक्शन एंड लोकलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर इन ब्रेन टिश्यू। वी हैव टू मेजर द जिंक प्रोडक्शन एंड लोकलाइजेशन इन अ ब्रेन टिश्यू। नेक्स्ट वन इज जेनेटिकली इनकोडेड और सिंथेटिक फ्लोरोसेंट बायोसेंसर्स। These are the sensors which particularly divided into two categories. First category, which modulates the fluorescence of a single fluorescent biosensors. जो कि particularly यहाँ पे आपके single fluorescent biosensors हैं, उनको modulate करने का काम करेगा. Number two, those which display changes in fluorescent biosensors between a donor and a acceptor. Means डोनर एंड एक्सेप्टर्स के बीच में आपके पास डिस्प्ले के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उन पर काम करेगा, एक एक काम करेगा आपके जो फ्लोरोसेंसी की मॉड्यूलेंस है वो भी सिंगल फ्लोरोसेंट बायोसेंसर्स के लिए। बट इन द सेंसर्स पर्टिकुलरली डेवलप दिस प्रिंसिपल, एंड दिस प्रिंसिपल इज वेरी सेंसिटिव फॉर द पीएच एज वेल एज फॉर द रिडॉक्स स्टेट। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिकली इनकोडेड फ्रिंसिस्टर रेजोनेंस एनर्जी transfer sensors. This sensor particularly uses two fluorescent domains, and this particular domains recognizing a domain and forming a single polypeptide chain.
द लिगेंड बाइंडिंग द लिगेंड पर्टिकुलरली बाइंडिंग टू द डोमेन चेंजेस फॉर इट्स कन्फर्मेशन आफ्टर दिस पिरामिडल रूल्स कम व्हिच एग्जैक्टली नोट द मेजरमेंट शुड बी डन इन अ सेंसिटिविटी फॉर अ फ्लक्चुएशन इन अ सेंसर कंसेंट्रेशन एंड लास्टली इन डायनेमिक रेंज In the dynamic range of this sensor, we give approximately 70% indications for this particular biosensors. Next point, microbial biosensors. In the microbial biosensors, which particularly done through the synthetic, biological, and genetic protein enkylin. In this biosensors, we have to enable the rapid, accurate, and sensitive detection of target analyte in a field in particularly medicine, environmental monitoring, defense, food processing and safety. But recently this particularly microorganisms based on the fluxing of fusing of Lux or maybe gene reporters to an invisible gene promoters which have widely applied to the SC toxicity and bioavailability. Another one is what are the advantages and disadvantages of this particular biosensor. This biosensor advantages, they are more cheaper than longer half-life. Means इनकी जो cheaper है काफी ज्यादा और इनकी जो half-life होगी वो काफी ज्यादा long होगी. नंबर टू, ये काफी सेंसिटिव कम होंगे जिनकी वजह से आपके पीएच और टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएशंस होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे कंपेयर टू आइसोलेटेड एंजाइम्स. व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस हमारी क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास पूरा सेल है इन जनरल और उसके अंदर हमें उसके कैटालिसिस, उसके जो कैटालिसिस है वो काफी लंबे पीरियड के लिए है, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉर कैटालिसिस. In addition, the specificity and sensitivity of whole cell biosensors may be lower compared to that of enzymes. मतलब इसके अंदर हमारे पास पूरे के पूरे सेल है जो बायोसेंसर माइक्रोबियल सेल बायोसेंसर्स है उनकी specificity और sensitivity जो होगी वो काफी ज्यादा क्या होगी, high होगी compared to enzymes. माइक्रोबियल स्ट्रेन्स जिनके अंडर हम यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप के माइक्रोबियल स्ट्रेन्स हैं, जिनके नेम है स्यूडोनोमस प्रोटेमिया क्लिबिमिस एक्सोटोनिया थर्मोपोनिक बैक्टीरिया एंड मैक्लिकलस स्टेबुलस. ये मैं डिफरेंट टाइप के क्या है माइक्रोबियल स्ट्रेन्स हैं जिनको कि हम यहाँ पे माइक्रोबियल सेल बायोसेंसर के लिए पर्टिकुलरली क्या करेंगे, यूज करना शुरू करेंगे. नेक्स्ट, न्यू बायोसेंसर्स जो कि अब हम यहाँ पर पर्टिकुलरली किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, कैंसर को डायग्नोज करने के लिए और माय जो डिजीजेज है ऑन द स्पॉट उसके लिए हम यूज करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास एक बाइंडिंग लेवल है, उस चीज को हम देखने का काम करेंगे और उसमें आपके पास डीएनए की प्रॉब है, साथ में आपके पास टारगेट है किस पर, माइक्रो राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड्स, और वो पर्टिकुलरली उसके माइक्रो लेवल पर क्या देखेगा, उसके सैंपल्स के अंदर कि उसके माइक्रो लेवल पर वो कैसे कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद उसकी जो क्लूज होंगी वो उसके प्रेजेंस वो उसमें देखेगा कि उसमें किस किस टाइप की कार्डियक डिजीज है या कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज तो नहीं है. उन चीज को देखने के लिए अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, डीएनए प्रॉब लिया और उसके बाद टारगेट माइक्रो एनए को रेफर किया है जो हमारा काम करेगा. लेकिन अब ये जो सेंसर है ये आपका काफी लाइट वेट का सेंसर है और इसमें आपकी हाईली सेंसिटिव करेगा और इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको 15 मिनट्स के अंडर अवेलेबल होगा. लेकिन आपके पास यहाँ पे इसके साथ में आप एक नया सेंसर को और पिकअप करोगे और उसका नेम होगा वो भी बायो मार्कर्स को पिकअप करने के लिए और उसको हम नाम देंगे माइक्रो राइबो न्यूक्लिक एसिड्स और वो आपकी जेनेटिक डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो अब प्रोटीन के अंदर क्या करेगा, ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेगा. लेकिन यहाँ पर आपके पास माइक्रो राइबोसोमल आरएनए माइक्रोसोमल माइक्रो राइबो न्यूक्लिक एसिड्स वो पर्टिकुलरली यहाँ पे उसको पोस्ट करेगा उसके वेरियस डिजीजेस को और उसको प्रिजर्व करेगा फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि वहां पर यूरिन और ब्लड और पर्टिकुलरली उसका आइडियल वे होगा उस पर्टिकुलर चीज को क्विकली
टेस्ट करेगा और उसको टेस्ट करके आपकी बॉडी के अंदर जो भी ट्रबल्स है उनको फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन जब हमने इसको कंपेयर किया अपने टू हेल्दी सब्जेक्ट के साथ, तो उससे अब आपके पास वहाँ पे डिफरेंट टाइप के माइक्रो राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड के लेवल्स है, वो पर्टिकुलरली क्या होंगे, डेवलप होना स्टार्ट होंगे, वो हमारे पर्टिकुलर वे में क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट आता है, अब हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जिसको कि हम यहाँ पर पर्टिकुलराइज रेफर कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने यहाँ पर नाम दिया है, वन इज डायबिटिक बायोसेंसेस और एक हमने नाम दिया एंजाइम बेस्ड बायोसेंसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एंजाइम बेस्ड बायोसेंसेस के बारे में कि हमारे पास यहाँ पे एंजाइम बेस्ड जो बायोसेंसेस हैं वो अब यहाँ पर कैसे कैसे वर्क करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास एंजाइम बेस्ड बायोसेंसेस होंगे और उन बायोसेंसेस के लिए अब आपके पास यहाँ पर बायोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेशन होगा। मान लीजिए वी हैव टू अंडरस्टूड एंजाइम बेस्ड बायोसेंसेस, तो उसके अंडर हमारे पास वहाँ पर बायोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेशन होंगी और उनको वो पर्टिकुलरली ऑपरेट करने के लिए उसके पास वहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे। अब हमें यहाँ पर जो एंजाइम्स पर्टिकुलरली रेफर करने हैं वो हमारी एंजाइम बेस्ड बायोसेंसेस के लिए होंगे। लेकिन जब हमें यहाँ पे बात करनी हो, मान लीजिए हमें बात करनी है यहाँ पे ग्लूकोज बायोसेंसेस की या फिर डायबिटीज बायोसेंसेस के बारे में, तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसके आइडियाज देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पे मान लीजिए जो ग्लूकोज सेंसर है वो पर्टिकुलरली सबसे पहले आपकी जो पेशेंट है, जो पेशेंट की कंसंट्रेशन है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ग्लूकोज सेंसर या फिर डायबिटीज सेंसर को रेफर करेंगे। लेकिन जब आपने यहाँ पे डायबिटीज सेंसर को रेफर कर रहे हो और ग्लूकोज सेंसर को रेफर कर रहे हो, तो उसमें हमें चार पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट एनालाइट, नंबर टू बायोरिसेप्टर्स, नंबर थ्री ट्रांसड्यूसर एंड नंबर फोर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिस्प्ले। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि हम यहाँ पे किस चीज को एनालाइट कर रहे हैं। एनालाइट का मतलब ये है कि ये सब्सटेंस विद chemical constituents, with chemical constituents that are being identified and measured, जिसको कि हम यहाँ पे हमारे एक सब्सटेंस होगा और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की मदद से अब आपके पास यहाँ पे chemical constituents हैं और उनको अब हम यहाँ पर अरेंज नहीं कर रहे बल्कि उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अब हम वहाँ पर मेजर करेंगे। नंबर टू पॉइंट इसी में बायो रिसेप्टर्स, बायोरिसेप्टर्स क्या करेंगे, बायोरिसेप्टर्स के अंडर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो स्पेसिफिकली क्या करेंगे, उस एनालाइट को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे। तो बायोरिसेप्टर्स क्या करेंगे, दिस इज अ मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द एनालाइट, जो हमारा एनालाइट है उसको स्पेसिफिकली क्या करने का काम करेंगे, रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर्स हमारा क्या कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर्स हमारे यहाँ पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कन्वर्ट करने का काम करेंगे, ये काम करेगा हमारा ट्रांसड्यूसर्स। नंबर फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक और डिस्प्ले के अंडर हमारे पास जो हमारा कंपोनेंट है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को वो सबसे पहले प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर जो ट्रांसड्यूस सिग्नल होगा उस पर्टिकुलर ट्रांसड्यूस सिग्नल को यूज करेगा और उसको प्रिपेयर करेगा ताकि वहां पर उसको प्रिपेयर करके उसके डिस्प्ले लेवल पर उसको अंडरस्टूड समझ पाए कि उसके अंडर हमारा कौन कौन सा काम है और वो कैसे कैसे वहां पर उसको पर्टिकुलेट कर कर काम करना शुरू कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एज अ पॉइंट जो कि हम यहाँ पे डायबिटीज सेंसर के लिए क्या कर रहे हैं, रेफर करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जो ग्लूकोज सेंसर है उसके अंडर हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट एंजाइम्स भी होंगे और वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होंगे जो कि हमारे ग्लूकोज सेंसर के लिए काम करेंगे वो कौन कौन से होने चाहिए। एक तो हमारे पास होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, एक हो सकता है ग्लूकोज वन डिहाइड्रोजिनेज, एक हो सकता है हेक्सोकाइनेज, और इनको हम फ्रीक्वेंट मैनर में बायोसेंसर्स में किसके लिए, ग्लूकोज या फिर डायबिटीज सेंसर के लिए क्या करेंगे, इनको यूज करना शुरू करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि हम वहाँ पर पर्टिकुलरली कैसे कैसे उसको वहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हैं और उसको इवेल्युएट करके हमें उसके और भी जो फीचर्स हैं वो हमारे पास मैंने वंडरफुल वे में इवेल्युएट हो रहे हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को इवेल्युएट करके
हम वहां पर उसको और भी ज्यादा बेटर वे में समझ पा रहे हैं कि हमारे पास में कौन कौन से सेंसर्स हैं। जैसे कि हमारे पास डायबिटीज सेंसर हुआ, पीबल सेंसर हुआ, इसके अलावा हमारे पास एक सेंसर और हो सकता है जिसको हम नाम देंगे, और वो नाम होगा मॉलिकुलर बायोसेंसर्स के अंदर हमारे पास क्या है कि हमें उस चीज को एनालाइज करना है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को एनालाइज करना है, तो वहां पर हम क्या। हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट विकास, आई एम डॉक्टर अरविंद। गुड आफ्टरनून टू ऑल, आई एम डॉक्टर अरविंद, एक्सटर्नल एक्सपर्ट फ्रॉम दिस वर्कशॉप। ओके सर, तो सर मैं चाहूंगा कि कुछ, मतलब मेरा ऑलमोस्ट लास्ट ही पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि अब आप कुछ आप हमें कुछ बताएं, बस मैं आफ्टर 1 मिनट। ठीक है सर। सर मेरा यह है कि जो बायो सेंसर है, जो आपके जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है स्टूडेंट्स के लिए और सभी के लिए। आज के टाइम में जो एंटरप्रेन्योरशिप और जो कोई भी न्यू इनोवेटिव जो थिंग्स हैं वो बहुत जरूरी है एज ए यूनिवर्सिटी लेवल, हायर एजुकेशन लेवल के लिए। क्योंकि अगर हम स्कूल लेवल और अगर हायर एजुकेशन देखते हैं, जब तक हायर एजुकेशन में कोई भी नया आइडिया नया इनोवेशन नहीं होगा, जब तक हमारी अपनी अपनी ग्रोथ भी नहीं हो सकती, और हमारी ग्रोथ नहीं होगी तो सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं है और इस कंट्री को कोई बेनिफिट नहीं है। जिससे हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो भी इस स्टार्टअप के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब वेटेज देते हैं। तो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इनके नए नए आइडियाज हैं, तो इनको हमें बेसिकली कलेक्ट करना चाहिए और उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी एक लिमिटेड है, तो हमें बेसिकली आज के टाइम में जॉब देने वाला बनना चाहिए, ना कि जॉब लेने वाला बनना चाहिए। और हम जिस भी फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर हम फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हैं, तो हो सकता है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट होके भी इतनी इनकम नहीं कर पा रहे होंगे जितना इस फील्ड में नॉन फिजियोथेरेपिस्ट जो इंटेलेक्चुअल मतलब जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं। जब तक हमारे पास अपने नए आइडिया नए इनोवेशन नहीं होंगे, जब तक नहीं हमारे पास नए पेटेंट नहीं हम फाइल करते हैं, और इसके साथ साथ हमें ध्यान भी रखना कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि हम बायोसेंसर में स्किन के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सीबम और ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस और मेलेनिन वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में मतलब हम कुछ काम करें और स्टूडेंट्स को आप इनकरेज करें, तो बहुत ही एक मतलब एक अच्छा होगा मतलब उस चीज के लिए। क्योंकि आज छोटे छोटे आइडिया पे लेके एक इंडस्ट्री रन कर रहे हैं। कोई अगर मंदिर में भी अगर कोई फूल होते हैं तो उसका भी परफ्यूम और उसकी भी अगरबत्तियां बना के लोग बाग उसको सेल कर रहे हैं। जब तक नए नए आइडिया हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपने सिस्टम में, तो जब तक हम मतलब आगे हमारी जो ग्रोथ है वो एक नॉर्मल ग्रोथ है। तो इसलिए और जितने भी स्टूडेंट्स इस सेमिनार में हैं, तो मेरा उनसे एक सजेशन है कि आप पबमेड एनसीबीआई इसकी साइट पे जाके अपने फील्ड से रिलेटेड जो रिसर्च आर्टिकल होते हैं, रिव्यू आर्टिकल होते हैं, आप उनको रीड करें। उसी से ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें नई नई अभी इस टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है और क्या क्या गैप हैं जो आप जिसको फिल कर सकते हैं। तो मेरे कुछ सजेशंस थे। नहीं सर, आपके सर अच्छे सजेशन है, आपके सजेशन अच्छे हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स और हम भी ताकि आपके सजेशन को रेफर करें और अपना जो भी इनोवेशन पे काम करें, ताकि आपकी हेल्प मिले। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने जो भी नए नए आइडिया हैं, आप अपने फैकल्टी मेंबर से मतलब डिस्कस करके उसको उनको रखें आप उसमें। और क्योंकि आप यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे हो सभी स्टूडेंट्स स्पेशली, तो यहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट हम अपनी फैकल्टी में, तो आप फैकल्टी से बियॉन्ड मतलब जो अपनी बाउंड्रीज हैं उससे बाहर जाके भी नए नए आइडिया सोच सकते हो आप उसमें। ओके सर, सर और कुछ बताएंगे सर आप? और कुछ आइडियाज हमें बताएं? बस बस, थैंक यू सर, बस। ओके सर, ओके। अब मैं आपको इसी में कुछ और पॉइंट, जैसे कि हमें अभी हमें
मिस्टर अरविंद सर ने हमें बताया, बहुत अच्छा बताया डॉक्टर अरविंद सर ने, कि हमें कैसे कैसे काम करना चाहिए, इनोवेशन आइडियाज अपने कैसे क्या कुछ करना चाहिए बायोसेंसर्स के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स और साथ में सभी SHS की सभी फैकल्टीज हैं वो ध्यान से सुने, उसके बाद इस पर अपना कुछ अपना इनोवेशन आइडियाज मतलब प्रेजेंट करें, मतलब आफ्टर वन वीक या आफ्टर वन वीक सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने इनोवेटिव आइडियाज रिलेटेड टू बायोसेंसर्स ऑफ मॉडर्न एरिया पर डिस्कस करें। अब हम इसी में आगे डिस्कस करने जा रहे थे मॉलिकुलर सेंसर्स के बारे में, कि मॉलिकुलर सेंसर्स के बारे में हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास यहाँ पे जो एनालाइट है उसमें हम उसको कैसे कैसे एनालाइट कर रहे हैं और उसको हम डिटेक्टेबल चेंज कर रहे हैं, उसके सिग्नल्स पे देख रहे थे, उसके साथ में हमारे पास जो मॉलिकुलर रिकॉग्नाइजेशन थी हमारे बायोसेंसर्स की उसको हमने देखा, वो भी किसके लिए, पर्टिकुलर केसेस के लिए। और वहाँ पर हमारे पास जो पर्टिकुलर केसेस हैं उन पर हमने अराइज करा कि हम वहाँ पे ह्यूमन बींग के लिए इसको कैसे कैसे एज अ बायोसेंसर की मॉलिकुलर सेंसिंग में इसको हम कैसे कैसे यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं और हमें वहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ भी प्रॉब्लम ना आ पाए। अब हम इसी में एक और छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था रिसेप्टर्स के बारे में, कलरीमीटर के बारे में, और थोड़ा बहुत हमने ब्रांच डिस्कस की थी नैनो बायोसेंसर्स के बारे में। तो नैनो बायोसेंसर्स के बारे में डिस्कस किया, तो ये हमारे जो नैनो बायोसेंसर्स है इसको हम पर्टिकुलरली किस फील्ड में रिलेटेड करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड में रिलेटेड करते हैं, और उसके अंडर हमारे पास जो हमारी ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो मटेरियल है वो हमारा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पर है, एटॉमिक लेवल पर कैसे है और मॉलिक्यूलर स्केल लेवल पर कैसे कैसे है उसको हम यहाँ पर अंडरस्टूड कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लीजिए हम मेडिसिन के अंदर देखें, या फिर फूड सिक्योरिटी के अंदर देखें, या फिर हम कॉस्मेटिक्स के अंदर देखें। फिर हमने डिस्कस किया था कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर्स के बारे में, तो हमें यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो कैलोरीमेट्री है वो हमारा क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं सभी इन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास यहाँ पे कैसे कैसे मेजरेबल चेंजेस हो रहे हैं, वो भी आपकी स्टेट वेरिएबल ऑफ बॉडी, जो आपका स्टेट वेरिएबल ऑफ बॉडी है उसके अंडर हमारे पास किस किस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं और उनके चेंजेस होने पर हमारे पास उनकी कैसे कैसे हीट के अंदर वो उस चीज़ को ट्रांसफर करके उसको डिलीवर कर रहा है और वो फिर उसके साथ किसके साथ एसोसिएटेड है, जो आपके चेंजेस हैं कि आपके यहाँ पे स्टेट के अंदर किस किस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं उनको देखने के लिए अब यहाँ पे रेफरेबल रेफर करेगा, वो चीज़ आपकी कैलोरीमेट्री के अंदर रेफर होती है। अब हमारे पास एक पॉइंट था रिसेप्टर्स, कि हम यहाँ पे रिसेप्टर से क्या समझते हैं। अभी तक हमने देखा था बायो रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स और बायो रिसेप्टर्स के बारे में, लेकिन हमने ये नहीं देख पाए कि हम यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे क्या होंगे। रिसेप्टर्स का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये आपके पास एक ऑर्गन है या फिर आपके सेल है और वो क्या करेगा कि वो पर्टिकुलरली आपकी लाइट है उसको रिस्पोंड करेगा, फिर आपकी हीट या फिर आपकी कुछ स्टिमुलाई होनी चाहिए और उसके बाद वो पर्टिकुलरली उसको वहाँ पे उस पर्टिकुलर सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसमिट करने का काम करेगा, वो भी किस पर, सेंसरी नर्व की मदद से, जो सेंसरी नर्व है उसके पास वहाँ पर वो इसको बेसिकली रेफर करेगा। लेकिन इसके साथ में हम यदि देखना चाहें कि हमारे पास जो बायोसेंसर्स हैं इसकी वाइड एप्लीकेशन हैं, जैसे कि हम मान लीजिए हम इसको देख रहे हैं एज ए इन्वायरमेंटल, तो वहाँ पर हमारे पास एक जीनो सेंसर्स आते हैं और जीनो सेंसर्स हमारे क्या होंगे। जीनो सेंसर्स हमारा एक डिवाइस है जिसके अंडर आपके पास बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स हैं और जो बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स होंगे वो आपके सर्फिस के ऊपर होंगे और वो काफ़ी छोटे साइज के होंगे, जो कि एटलीस्ट वहाँ पे उनका जो सीक्वेंस बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो काम करेगा, या फिर वहाँ पर वो DNA एंजाइम्स होंगे और DNA एंजाइम्स जो होंगे वो हमारी आइडेंटिफिकेशन करेगा हमारे किस पॉइंट के एनालाइट पॉइंट को डिटेक्ट कर ताकि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको इवैल्यूएट करें और उसको इवैल्यूएट करके हमें वहाँ पर पता चल पाए। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बायोसेंसर्स हैं कि इनको हम कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, जैसे कि इनको एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में कर सकते हैं, या फिर इसको डिजीज को डायग्नोज करने में कर सकते हैं, या फिर इसके मेडिकल एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर भी इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पर्टिकुलरली रेफर करने का काम करेंगे और हमें वहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर
प्रॉब्लम आना स्टार्ट नहीं होगी और उसको हम वंडरफुल वे में क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ताकि हमें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। तो ये तो हमने देखा सारा का सारा बायोसेंसेस के बारे में कि हम बायोसेंसेस में क्या काम कर रहे हैं, बायोसेंसेस हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं और उसके मेरे पास क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज हैं। और साथ में हमें डॉक्टर अरविंद कुमार सर ने भी हमें बताया कि हम कैसे कैसे यहाँ पे बायोसेंसेस के बारे में अपना पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चन आप में से कोई पूछना चाहे मेरे से कुछ तो पूछ सकते हो। एनी स्टूडेंट, मैं ये चाहूँगा कि आप सभी मेरे को अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज बताएं, मतलब आप सभी के इनोवेटिव आइडियाज मेरे को विद इन अ टू डेज, मतलब टू डेज के अंदर अंदर आप सभी मेरे को अपने इनोवेटिव आइडियाज के बारे में बताइएगा कि आपके क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज हैं रिलेटेड टू बायोसेंसेस ऑफ मॉडर्न एरा। कि मॉडर्न एरिया ना मतलब मॉडर्न एरिया में आपके जो बायोसेंसेस हैं उनमें आपकी क्या क्या एप्लीकेशन होनी चाहिए और उनको हम कैसे कैसे यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स और साथ में मेरी जो साथ में जो हमारी SHS की फैकल्टीज हैं और हमें शोभना मैम, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सभी बताएं कि इसमें हमारे क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज और हो सकते हैं ताकि हम इसको और भी अच्छा बना पाएं, अपने बायोसेंसेस को और भी ज़्यादा वंडरफुल वे में मतलब और भी ज़्यादा इस पर काम कर पाएं। तो स्टूडेंट्स, आप में से कोई मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो। कोई भी स्टूडेंट जो पूछना चाहता है मेरे से बायोसेंसेस के बारे में तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन बायोसेंसेस के अंदर हमें पर्टिकुलरली ये पता होना चाहिए कि बायोसेंसेस हमारे क्या होते हैं, बायोसेंसेस को हम किन किन कंपोनेंट्स में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो बायोसेंसेस के कंपोनेंट्स हैं, हमारे तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं बायोसेंसेस के, जैसे कि वन इज सेंसर, नंबर टू ट्रांसड्यूसर, नंबर थ्री इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हमारे पास सेंसर है, ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, नंबर तीन टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। और ये तीनों ही कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल रेफर होते हैं और इनको हम यहाँ पे पर्टिकुलरली किस लिए मानते हैं, क्या कि हम इनको इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे बायोसेंसर्स के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर भी होंगे और वो क्या करेंगे, पर्टिकुलेट उस चीज़ को इंटरेक्ट करके उसको एनालाइज करेंगे कि हमें वहाँ पर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में बताएंगे कि हमारे पास वहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनको कि हम यहाँ पे अपने लिए रेफर कर रहे हैं और इसको रेफर करके हम अपने पर्टिकुलेट वर्क पर अपना काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होगा सेंसर्स के अंदर कि हम यहाँ पे सेंसर्स या फिर उस डिटेक्टर को कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं। नंबर टू पॉइंट हमने जैसे डिस्कस किया था ट्रांसड्यूसर्स के बारे में कि ट्रांसड्यूसर के अंदर आपके पास ऑलरेडी बायोलॉजिकल कंपोनेंट होगा और उस बायोलॉजिकल कंपोनेंट को अब ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या करेगा, कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा। जब इसने बायोलॉजिकल कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया तो उसमें उसने ये पॉइंट्स को रेफर करा और उसमें ये देखा कि हमारे पास वहाँ पर कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि और भी ज़्यादा हमारे लिए क्या बनेंगे, वंडरफुल बनेंगे और उन फीचर्स को हम डिस्प्ले करेंगे फिर अपने बायोसेंसर पर्पज के लिए। लेकिन लास्ट जो पॉइंट होगा हमारा एज अ कंपोनेंट के लिए, वो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो हमारा सबसे अच्छा पॉइंट है और वो हमारा पॉइंट ये है कि हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को देख रहे हैं और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर हम सर्किट यूज करें, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर हमारे पास सिग्नल है, सिग्नल की कंडीशनिंग यूनिट भी है, उसके बाद में प्रोसेसर भी है उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए,
एम्पलीफिकेशन भी हमारे पास, जब हमने उसको प्रोसेस कर लिया, जब आप उसको एम्पलीफाई करेंगे तो एम्पलीफाई करने का मतलब ये होगा कि उसके अंदर आपकी किसी भी टाइप की जो नॉइज है वो उसके अंदर क्या हो, रेपरेबल ना हो, तब आपकी उसके अंदर कोई भी नॉइज ना हो, तब आपकी नॉइज भी नहीं होगी, उस चीज़ को वो एम्पलीफाई करेगा और उसके बाद उसको अब वो वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा और डिस्प्ले करने के बाद अब वो ये कहेगा कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपके कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मॉनिटर के ऊपर इसको हम स्क्रीन करते हैं, तो वो हमारा जो पॉइंट है वो वहाँ पर और भी ज़्यादा क्या होगा, इलाबोरेटेड होकर हमें मिलना स्टार्ट होगा। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके अंडर आपके पास किस किस वे में जो आपके सेंसर्स हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। इसके अलावा सेंसर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट वे में देख रहे थे, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल था, ऑप्टिकल था, डीएनए था, नैनोबेस था, कलरीमेट्रिक था, एम्पीरोमेट्रिक था, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या थे, बायोसेंसर्स थे, और उन पर्टिकुलर बायोसेंसर्स पर हमने उसको एलोवेटिव आइडिया में रेफर करा था। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एनालाइट बायोसेंसर्स हो, एनालाइट बायोसेंसर का क्या काम होगा, एनालाइट बायोसेंसर का काम ये होगा कि सबसे पहले तो वो उसमें उन कंपाउंड को रेफर करेगा कि वो कंपाउंड जो है हमारे पास उसको वो कैसे एनालाइट करा है, और उसको एनालाइट करके उनके उन पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में बताएगा कि हम वहाँ पे किस कंपाउंड को ले रहे हैं, और जिस कंपाउंड को हम ले रहे हैं उसको अब वो वहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको वो मेजर करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे उसको मेजर करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर वंडरफुल वे में उसके पास मिले, और उन फीचर्स को अब वो और भी ज़्यादा क्या करेगा, वहाँ पर एलोब्रेट करेगा, और एलोब्रेट करके हमें बताएगा कि हम वहाँ पे किन किन फीचर्स पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट वहाँ से डायग्नोस्टिक बायोसेंसर्स। डायग्नोस्टिक बायोसेंसर्स में क्या होगा, डायग्नोस्टिक बायोसेंसर्स के अंडर हम ये देखते हैं कि हमारे पास उसका डायग्नोस्टिक लेवल, उसका जो डायग्नोस्टिक लेवल है वो कैसे काम कर रहा है, और उसके डायग्नोस्टिक लेवल पर उसको अब वो वहाँ पर डायग्नोज करना स्टार्ट करेगा। अब इसने इस चीज को डायग्नोज करा, यस साहिल, डू यू हैव एनी क्वेरी, साहिल आपकी कोई क्वेरी है, स्पीकर को अनम्यूट करें, वॉइस आ रही है साहिल, स्पीकर को अनम्यूट करें, साहिल साहिल स्पीकर को अनम्यूट करें, साहिल स्पीकर को अनम्यूट करें, साहिल स्पीकर को अनम्यूट करें, बहुत वॉइस आ रहा है, साहिल स्पीकर अनम्यूट, साहिल म्यूट द स्पीकर। अब हमारा अगला पॉइंट है कि इसमें अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो हमारे सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स थे जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हमारे पास अब यहाँ पे एनालाइट बायोसेंसर्स आ चुका, अब हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक बायोसेंसर्स को देख रहे हैं। जब हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक बायोसेंसर्स को देखेंगे तो डायग्नोस्टिक बायोसेंसर्स के अंडर हमारा वर्क क्या होना चाहिए। इन डायग्नोस्टिक बायोसेंसर्स हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक बायोसेंसर्स के अंडर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बायोसेंसर्स हैं उनको डायग्नोज करना शुरू करेंगे। अब हमें इसको डायग्नोज करना स्टार्ट करना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहला पॉइंट कि हम यहाँ पे किस
सेंसर को डायग्नोज करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट को डायग्नोज करके अपना काम करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या बनना चाहिए। तो वो पॉइंट हमारा सबसे पहले यहाँ पर ये बनता है कि हम यहाँ पे पर्टिकुलेट उस पर्टिकुलर फीचर में जा रहे हैं और उस पर्टिकुलेट फीचर के अंडर हमारे पास उसके और भी फीचर्स हैं और उन पर्टिकुलेट फीचर्स पर उनको अब हम वहाँ पर एलोब्रेट करते हुए चल रहे हैं और हमें वहाँ पर पर्टिकुलेट कोई भी जो प्रॉब्लम है वो उसके अंडर क्या हो इवेल्युएट होना स्टार्ट ना हो ताकि हम उसको वन बाय वन वहाँ पर अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंड कर पाए। अब यहाँ पे जो डायग्नोज है डायग्नोस्टिक के अंदर मान लीजिए आप किसी भी पर्सन को कोई भी डिजीज है और उसको अब हम वहाँ पर डायग्नोज नहीं कर पा रहे तो उस पर्टिकुलर चीज को डायग्नोज करने के लिए अब हम वहाँ पे क्या करेंगे सेंसर्स को यूज करेंगे और उन सेंसर्स को यूज करेंगे जब तो हमें वहाँ पर ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलेट डिजीज को हम यहाँ पे सेंसर कर रहे हैं और इस चीज को सेंसर करने में हमें वहाँ पर कोई भी पर्टिकुलेट हमें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और हम उसको वंडरफुल वे में क्या करेंगे अपने पास एलोब्रेट कर रखेंगे ताकि हम उसको वन बाय वन अपनी फीचर्स में हम क्या कर पाए उसको एलोब्रेटेड कर हम अपनी फीचर्स में अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंड कर पाए ताकि हम वहाँ पर उन्हीं के उन फीचर्स पर उनको इनोवेटिव आइडियाज के साथ रेफर करें। डायग्नोस्टिक बायोसेंसर्स एनालाइज बायोसेंसर्स। नेक्स्ट वन इज हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर एंजाइमेटिकल बेस्ड बायोसेंसर्स। अब ये हमारे पास कौन से सेंसर्स होंगे ये हमारे वो सेंसर्स होंगे जिनके अंडर हमारे पास मॉलिक्यूल्स तो होंगे लेकिन साथ में आपके पास यहाँ पर अब एंजाइमेटिकली एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास एंजाइमेटिकली एंजाइम्स होंगे अब हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स होंगे जिनको हम पर्टिकुलेट यहाँ पर एलोब्रेट करेंगे। अब आपके पास जो यहाँ पे एंजाइम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं पर्टिकुलेट जो एंजाइम्स होंगे और उन पर्टिकुलेट एंजाइम्स में हम इनको क्या करेंगे यहाँ पर रेफर करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे जब एंजाइम्स को रेफर करा है तो मान लीजिए हमारे पास हेक्सोकाइनेज है या फिर हमारे पास ग्लूकोज ऑक्सीडेज है या फिर हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड जैसे कि मान लीजिए हमारे पास डायबिटिक बायोसेंसर्स हैं। जब आपके पास यहाँ पे डायबिटिक बायोसेंसर्स हैं तो उनका काम ये होगा कि वो अब यहाँ पे आपके ग्लूकोज को क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करने का काम करेंगे। जैसे वो आपके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइज करने के बाद उन्होंने वहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड को बनाया। ग्लूकोनिक एसिड को बनाने के बाद उनके जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। ये दोनों फैक्टर्स बन चुके हैं और उनके बाद अब इसके पास क्या होगा कि हम यहाँ पे डायबिटिक सेंसर को जो डायबिटिक सेंसर है उसको अब हम कैसे कैसे वहाँ पर एलोब्रेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारा यहाँ पे कि डायबिटिक सेंसर है उस पर हम उसको कैसे एलोब्रेट करेंगे कैसे उसकी वर्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा एक छोटा सा सेंसर होगा और उस पर्टिकुलर सेंसर को अब हम ह्यूमन बींग के आर्म या फिर स्टमक वहाँ पर इंसर्ट करेंगे और उसको इंसर्ट करने के बाद अब वो उसमें क्या उसका मेजर करेगा इंटरस्टीशियल ग्लूकोज को मेजर करेगा और इंटरस्टीशियल ग्लूकोज का लेवल होगा उसको मेजर करके अब ये फाइंड आउट करेगा कि उसके अंडर उसके सेल्स में क्या कुछ फ्लूड है कि हाउ मच फ्लूड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स। जो सेल्स के इन बिटवीन उसके पास कितने कितने सेल्स हैं उनके इन बिटवीन क्या क्या चीज प्रेजेंट होनी चाहिए उन पर्टिकुलर पॉइंट पर उनको अब वो वन बाय वन क्या करेगा इवेल्युएट करेगा और इवेल्युएट करके हमें बताएगा कि हम उसको किस वे में कैसे कैसे वहाँ पर अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास जो सेंसर है ये डायबिटिक सेंसर्स जो होंगे वो अब क्या करेंगे वो ग्लूकोज क्या करेगा आपका वो टेस्ट करेगा कुछ मिनट्स के लिए और कुछ मिनट के लिए टेस्ट करने के बाद वो ह्यूमन बींग के पर्टिकुलेट लेवल पर उसको क्या करेगा इंटरेस्टेड करेगा कि पर्टिकुलेट लेवल पर उसको अब हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उसके एलोब्रेटेड फीचर्स में उसको रख रहे हैं और उसके पर्टिकुलेट फीचर्स जो होंगे हमारे पास उसको अब हम वन बाय वन क्या करेंगे एलोब्रेटेड कर अपने पास रख पाएंगे। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा था डायग्नोस्टिक के बाद एंजाइमेटिक मॉलिक्यूलर
और अब हम इसमें बायोसेंसर्स को रिसर्च फील्ड्स में भी, जैसे कि हमारे पास जो बायोसेंसर्स होंगे उनको जब हम रिसर्चिकल फील्ड में रखेंगे, तो रिसर्चिकल फील्ड में रखने के लिए अब आपके पास वहाँ पे जो आपके बायोसेंसर्स हैं उन पर वो और भी ज़्यादा क्या करेगा, इलाबोरेटेड होकर उनको देखेगा और समझेगा कि हम उसकी जो पॉइंट्स हैं उनको कहाँ कहाँ पर देखें और उसको कैसे कैसे वहाँ पर इलाबोरेटेड कर देखा जाए, ताकि हमें वहाँ पर कोई भी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो अब हमारी वहाँ पर इलाबोरेटेड होकर हमें मिलती रहे और हम उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स में उसको इवेल्युएट कर अपना काम करते रहें। तो अब ये हमें यहाँ पे पता चल पा रहा है कि हम यहाँ पे किस किस टाइप के सेंसर्स को देख रहे हैं, और इसके अंडर हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो सेंसर्स हैं केवल हमारे पास डायबिटिक ग्लूकोज एनालाइज मॉलिक्यूलर एंजाइम बेस्ड या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल ऑप्टिकल नैनो बेस्ड डीएनए कैलोरीमेट्रिक एम्पीरोमेट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियोमेट्रिक। यही हमारे पास खाली सेंसर्स नहीं है जो कि हम उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसको एनालाइज करके अपना जो वर्क है वो करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि इसके साथ में हमारे पास किस किस टाइप के सेंसर्स हैं और उन पर्टिकुलर सेंसर्स पर उनको अब वो वहाँ पर क्या करेगा, वन बाय वन इवेल्युएट करेगा और इवेल्युएट कर अब उसके पास उसके फीचर्स जो आएंगे वो उन फीचर्स पर उनको इलाबोरेटेड लेवल पर समझेगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक पॉइंट ये भी देखना है कि हमारे पास जो बायोसेंसर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब उनके जो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिनके अंडर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि हम यहाँ पे किस किस टाइप के सेंसर्स को देखा और इसके अंडर हमने किन किन टाइप के सेंसर्स को रेफर किया है और उनको रेफर करके हम वहाँ पर किस किस वे में उसको इलाबोरेट कर पा रहे हैं, और उसको इलाबोरेट करके हमने ये पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन किया कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पर हैं और इस पर्टिकुलर लेवल पर अब हमारे पास यहाँ पे इसकी कोई भी जो कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि हम इसको फर्दर वे में इलाबोरेट ना कर पाएं। तो ये हमारे पास डिफरेंट बायोसेंसर्स की एप्लीकेशंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर सेशन। थैंक यू।